जय सेवा। मेरा नाम है रायसर मड़ावी, तेलंगाना स्टेट का ट्राइबल ग्राउंड आर्टिस्ट हूँ। मैं आज नागपुर जिले में आया हूँ, महाराष्ट्र राष्ट्र। यहाँ पे नागपुर से नज़दीक 8 किलोमीटर में वटोड़ा ग्राम पंचायत है। यहाँ पे अपना गोंडवाना कलाकार कुमरा कृष्णा क्रिएशन बोल के यहाँ पे उसका सोसाइटी है, यहाँ पे मिलने के आया है। वो गोंडवाना कलाकार अपना गोंडवाना का लिंगो बाबा का मूर्ति और सल्ले गागरा पेरसापियन का ऐसा इधर चलिए बात करेंगे। जय सेवा। जय सेवा। मैं तेलंगाना से आया हूँ, मेरा नाम रायसर मड़ावी, तेलंगाना ट्राइबल आर्टिस्ट। मैं ऑल ओवर इंडिया में मैं अपना ट्राइबल कल्चर के लिए पेंटिंग के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ। आज तुम्हारा वर्क देख के बहुत तो मुझे आनंद लग रहा। लिंगो बाबा का सल्ले घागरा पेशा बीन का है ना, रामजी गुंड बिरसा मुंडा कुमरा बीन जैसा बहुत अच्छा लग रहा मुझे। तुम्हारा कला भी अपना पूरा इंडिया में पूरा पब्लिसिटी होना बोल के तुमको मिलने को आया हूँ। जैसा तुम जैसे वाह। मेरा नाम कृष्णा कुमरे है, नागपुर से हूँ, नागपुर वाटोड़ा से। और पिछले 5 साल से मैंने चालू कर दिया हूँ। हाँ। गोंडी साहित्य और समाज के प्रति एक रुचि है। हाँ। उसके लिए मैंने चालू कर दिया हूँ और समाज में मुझे बड़ा प्यार से मतलब ये दिया है। प्रॉपर उमरेड तहसील से है। हाँ। उमरेड तहसील में 10 किलोमीटर तारना प्रॉपर गांव है। हाँ। और पिछले 25 साल से यहीं से हूँ। हाँ। और पहले इंटीरियर से हूँ। हाँ। फिर बाद में पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ गोंडी के लिए। जो अभी ये सल्ले घागरा है ना, ये अभी एक पेंटिंग को एक मूर्ति बनाने को कितना टाइम लगेगा? वैसे तो पहला पीस बनाने के लिए 1-2 महीना लगता है। हाँ। और फिर उसका मोल्ड होने के बाद में। हाँ। फिर रिपीटेशन बाद में बहुत सारे निकाल सकते हैं। हाँ। ऐसा अभी तुम अभी मूर्ति बनाए, ये मूर्ति अभी बिक रहे ना? हाँ, काफी सारी मूर्तियां बिक रही है। और रामजी गुंड बिरसा मुंडा कुमरा भीम रानी दुर्गावती जैसा मूर्ति भी बहुत बिक रहे ना? हाँ, तो बड़े बड़े ऑर्डर रहते हैं। हाँ। सात सात फीट के। हाँ। अधिकतर एमपी यूपी में वगैरह जा रहे हैं। हाँ। और वैसे अपन ने 4-5 बिरसा मुंडा दे दिए है एमपी में वगैरह। हाँ। हाँ। अभी तो बहुत अच्छा है ना। हाँ। बहुत बिजी चल रहा है। और ऐसा ये अपना महाराष्ट्र में नहीं पूरा इंडिया है ना, इंडिया में अपना गोंडवाना का ये मूर्ति पब्लिसिटी होना और अपना गोंडवाना का आदिवासी लोगों सब घर घर में अपना लिंगो बाबा का फोटो रहना पड़ेगा, मूर्ति रहना पड़ेगा और सल्ले वगैरह का मूर्ति रहना पड़ेगा। अपना गोंडवाना का जो अपना रीति रिवाज है ना, वो रीति रिवाज सब मानना पड़ेगा, लिंगो बाबा का पूजा सब मिल के करना पड़ेगा। ओके ना? जैसे Thank you.
समान होने पहले एक गिल्टी फील होती थी पहले लोगों को, उस वजह से नहीं कि उन्होंने जय को छोटा कर दिया और सेवा को बड़ा कर दिया। अपने को जय सेवा कॉम्प्लेन बढ़ता है ना तो